अगर मुझे इंडिया अलायंस में जाने से पहले यह कहा गया होता कि इंडिया अलायंस में हमें अपने आप को कमजोर करना है इंडिया अलायंस के किसी दूसरे मेंबर के लिए, मैं शायद कभी इंडिया अलायंस में जाता ही नहीं। आप खुद ही समझ सकते हैं कि पीएजीडी को तोड़ने का काम, पीएजी को खत्म करने का काम, लोगों की आखिरी उम्मीद को खत्म करने का काम कहां से हुआ, हमने तो नहीं किया, हम तो नहीं चाहते हैं। अगर मुझे इंडिया अलायंस में जाने से पहले यह कहा गया होता कि इंडिया अलायंस में हमें अपने आप को कमजोर करना है इंडिया अलायंस के किसी दूसरे मेंबर के लिए, मैं शायद कभी इंडिया अलायंस में जाता ही नहीं। साउथ कश्मीर की सीट आप बार बार पूछते हो कि साउथ कश्मीर की सीट पीडीपी को क्यों नहीं, मुझे बताइए ना, ये कहां की सियासत है कि जो पार्टी तीसरे नंबर पे आई इससे पहले वाले पार्लियामेंट इलेक्शन में, नंबर वन पार्टी और नंबर टू पार्टी दोनों अपना क्लेम छोड़ के तीसरे नंबर की पार्टी को वो सीट दे दें। दो साल से जब भी उनके रेजिंग डे के फंक्शन हुए तो तकरीरों में बीजेपी से ज्यादा नेशनल कॉन्फ्रेंस को निशाना बनाया गया। Reaction coming in from one of the PDP spokespersons, Mohit Ban, who says Omar Abdullah shifted goalpost from the Gupkar Alliance versus BJP to National Conference versus PDP. जो कांग्रेस है उनसे मशवरा करेंगे, क्योंकि इंडिया अलायंस में तो हम है, पीएजीडी अलायंस तो तितर बितर कर दी इन्होंने, पर इंडिया अलायंस में तो है, हम उनके साथ बात करके देखेंगे कि हम आगे क्या।